समाचारों ने इस तरह से सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसकी डेट भी आ चुकी है जो कि 4 और 11 तारीख है। तो फिरोजाबाद नगर निगम जो चुनाव है, नगर निगम महानगर में हमारे आम आदमी पार्टी के द्वारा सुश्री राजकुमारी जी हमारी मेयर की प्रत्याशी रहेंगी, इसको इस संबंध में आज हम लोगों ने आपसे प्रेसवार्ता की। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में हमारे राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी की अगुवाई में पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारा एक नारा होगा, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। इस नारे के साथ हम पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। सभी वार्डों पे नगर निगम फिरोजाबाद में लगभग 70 वार्ड हैं, तो सभी 70 वार्डों पे कल या परसों तक हमारे सभी कैंडिडेटों की घोषणा हम कर देंगे। और आज हमने जो घोषणा की है, महापौर की प्रत्याशी हमारी अब अनाउंस हो चुकी हैं, कल हम इनका भी पर्चा दाखिल करेंगे पूरी मजबूती के साथ। इनको पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ाने का काम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। इसी संबंध में मैं आज फिरोजाबाद आया हुआ हूँ। मैं पिछले 2-3 दिन से गली मोहल्लों में घूम रहा हूँ, लोगों के अंदर उत्साह है, लोग बदलाव चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी, आप सभी को भी पता है कि परसों आम आदमी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिल चुका है। तो अब आम आदमी पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं, अब देश में बहुत मजबूती के साथ बढ़ने वाली आम आदमी पार्टी है, जो कि मात्र 10 साल में एक राष्ट्र पार्टी बनी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, गुजरात के अंदर। मेरा नमस्कार, मैं एडवोकेट अमितगर। लंबे समय से, जैसा कि सभी को पता है कि मैं चिटफंड के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा था, और उसी लड़ाई को लड़ते लड़ते मेरा ये राजनीतिक जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संजय भैया ने पिछले विधानसभा चुनावों में हमारी आवाज़ उठाई, चिटफंड प्रकोष्ठ बनाया, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा और आज पूरी तन मन धन से आम आदमी पार्टी जुड़ा हुआ हूँ। पंजाब में जब सरकार बनी तो भगवंत मान ने हमारे मुद्दे पर पूरी तरह से वहाँ कार किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, क्योंकि मैं चिटफंड के मुद्दे की इसलिए बात करूँ कि ये पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका। अभी अमित शाह ने कहा कि साहब सहारा के पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इसी मुद्दे से लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप सभी जानते हैं 25,000 करोड़ रुपया सहारा और सेबी का बड़े लंबे समय से सेबी के पास पड़ा हुआ, लेकिन किसी का पैसा नहीं दिया गया। आज अचानक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, लगभग साल भर का समय, तो एक शाह जी का आता है कि सहारा का सभी पैसा दे दिया जाएगा और 5,000 करोड़ रुपये हमें दे दें। इसी प्रकार से अभी तहसीलों में लाइनें लगी थी, अभी आप सबने देखा होगा लंबी लंबी लाइनें लगी। क्या वाकई में इनसे पैसा मिल जाएगा? तो ये झूठ की राजनीति जो अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं या अन्य जो दल हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति नहीं करती। अभी हमारे बड़े भाई ने प्रश्न किया था, देखिए कोई व्यक्ति कब किस पार्टी से जुड़ जाए ये नहीं पता आज के लिए। अब उसको सक्रिय सदस्य बनने के लिए ऐसा नहीं है कि साहब पूरा साल भर का समय देना पड़ेगा, या उनकी इच्छा थी। बिल्कुल आपका सवाल का जवाब दो, कांग्रेस से वो जो गए उनके पास वो था, लेकिन जब उन्हें लगा, उन्होंने अपने सलाहकारों से बात की तो उन्हें लगा सुबह का भूला अगर शाम जी बिल्कुल मेरी बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को लौट कर आ जाता, उन्हें लगा, उन्होंने अपने सभी सलाहकारों से बात करी, अपने समाज के लोगों से बात करी, तो वहाँ पर उन्होंने फर्क महसूस नहीं उनको देखिए, नगर निगम चुनाव लड़ना या MLA का चुनाव लड़ना सभी का एक लोग, देखिए वो अभी तक तीसरी जो FIR भाजपा का षड्यंत्र है, भाजपा का षड्यंत्र है। सभी कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, अनिश सिसोदिया जी पिछले 2 महीने